नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। अचानक से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कश्मीरी नेताओं को बुलावा भेज दिया। मीटिंग हुई, बैठक हुई और अब उसके बाद में टीवी पर केवल कश्मीर की खबरें चल रही कि कश्मीर में ये होगा, कश्मीर में वो होगा, कश्मीर में ये होना चाहिए। महबूबा मुफ्ती ने पाकिस्तान को लेकर के ये बोल दिया, वो बोल दिया, तमाम तरह की बातें अब केवल यही चल रही। केवल बात हो रही है कश्मीर के ऊपर, यानी कश्मीर से नीचे देश नहीं है। कश्मीर केवल एक राज्य अब वही देश बन गया है, केवल उसी की खबरें अब टीवी में लगातार दिखाई देंगी। इसके पीछे की वजह क्या है? अमित शाह जी ने एक शब्द कहा था, क्रोनोलॉजी। इसकी कुछ क्रोनोलॉजी समझने की कोशिश करते हैं कि क्रोनोलॉजी आखिरकार है क्या और कश्मीर के मुद्दे के पीछे क्या क्या ढका जा रहा है, कश्मीर के मुद्दे के पीछे किस किस चीज को बचाया जा रहा है, इस पर जरा समझने की कोशिश करते हैं। पांच अहम मुद्दे जो खबरों में होने चाहिए थे, जिन पर चर्चा होनी चाहिए थी, उन सब को ढक दिया गया। वो सारे मुद्दे जिन पर हम भी बात कर रहे थे, जिन पर और तमाम जगह पर बातचीत हो रही थी, लोग आपस में बात कर रहे थे, लेकिन अब उनके सामने कश्मीर रख दिया गया। पहला मुद्दा है राम मंदिर घोटाला। राम मंदिर घोटाले में जिस तरह रोजाना नए नए सनसनीखेज खुलासे हो रहे थे, करोड़ों करोड़ों रुपए की जमीनों में घोटाला किया जा रहा था, वो सब आपने देखा। लेकिन अब उस घोटाले के ऊपर पर्दा पड़ गया है, क्योंकि कश्मीर की टोफी आपको दे दी गई है। अब आप उसको चूसते रहिए। आप राम मंदिर घोटाले में किसने घोटाला किया, किसने राम भक्तों की आस्था के साथ में छल करने का काम किया, वो अब सारी बातें टीवी से गायब हो गई है, क्योंकि वो सीधे सीधे इस तथाकथित राम भक्तों की सरकार के ऊपर चोट पहुंचा रही थी, उसकी इमेज को खराब कर रही थी, योगी आदित्यनाथ की इमेज को खराब कर रही थी। लेकिन अब राम मंदिर घोटाले की बात बीते जमाने की बात हो गई। दूसरा मुद्दा है वैक्सीन घोटाला कहे या वैक्सीन की कमी कहे। जिस तरह से नरेंद्र मोदी सरकार ने 21 जून को फ्री वैक्सीन की शुरुआत की थी, उस पर जो है एक बड़ा इवेंट बनाया गया और बताया गया कि हमने एक ही दिन के अंदर 88 लाख लोगों को वैक्सीन लगा दी। मध्य प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा एक ही दिन के अंदर करीब 17 लाख के आसपास वैक्सीन लग गई। लेकिन दूसरे दिन अगर आप देखेंगे तो 700 वैक्सीन लगती है। पहले दिन 17 लाख और दूसरे दिन 700 वैक्सीन। ये घोटाला नहीं तो और क्या है? ये क्या वैक्सीन के अंदर एक बड़ा इवेंट मैनेजमेंट का पर्दाफाश नहीं तो और क्या है? लेकिन इस खबर के ऊपर कश्मीर ने पर्दा गिरा दिया है। अब वैक्सीन घोटाले के ऊपर, वैक्सीन की कमी के लेकर के कोई कहीं पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। वह कश्मीर आ गया है, कश्मीर चलेगा, वैक्सीन पर बात नहीं होगी। तीसरा अहम मुद्दा रोजगार का मुद्दा सबसे अहम है, क्योंकि लॉकडाउन के बाद में अब अर्थव्यवस्था की हालत, उद्योग धंधों की हालत, इंडस्ट्री फैक्ट्रियों की हालत बेहद खस्ता है। और ऐसे में नरेंद्र मोदी की सरकार से लोग उम्मीद कर रहे थे कि वो रोजगार को लेकर के कोई ठोस कदम दिखाएगी, लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार में रोजगार को लेकर के कोई कहीं पर कोई चर्चा हो, इससे पहले ही कश्मीर का मुद्दा आपके सामने रख दिया गया। अब आप कश्मीर पर बात करिए, अपने रोजगार पर भूल जाइए। अब आप इस बात की चिंता करिए कि कश्मीर में पाकिस्तान की एंट्री ना हो जाए, महबूबा मुफ्ती पाकिस्तान का जिक्र ना कर दे, आप अपने रोजगार की चिंता को भूल जाइए। तो ये तीसरा अहम मुद्दा रोजगार का। चौथा अहम मुद्दा है आर्थिक पैकेज का। लोग उम्मीद कर रहे थे कि जिस तरह से कोरोना के दूसरे बड़े लॉकडाउन ने देश के लोगों की कमर तोड़ दी है, ऐसे में डायरेक्ट नरेंद्र मोदी की सरकार लोगों की जेब में पैसा देगी, डायरेक्ट 3,000-5,000 कुछ भी पैसा जो है वो लोगों तक पहुंचेगा, लोग इस बात की उम्मीद कर रहे थे। हालांकि पिछली बार भी जो है वो नरेंद्र मोदी की सरकार ने 20 लाख करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज दिया था, लेकिन उस आर्थिक पैकेज कहां तक लोगों तक पहुंचा वो सब जानते हैं। अब लोग उम्मीद कर रहे थे कि कम से कम इस बार जो है कोरोना के दूसरे लॉकडाउन के बाद में लोगों की कमर बिल्कुल पूरी तरह से टूट चुकी है, जेब फट चुकी है, हालत बेहद खस्ता है, ऐसे में लोग उम्मीद कर रहे थे कि नरेंद्र मोदी की सरकार कुछ न कुछ उनको आर्थिक राहत देगी और सीधे फौरी तौर पर पैसा देगी, 3,000-5,000 पैसा जरूर मिलेगा। लेकिन इस पर अब बात नहीं हो रही है, बात हो रही है कश्मीर में क्या होगा, कश्मीर से कितना रोजगार आएगा, ये सपने जो है वो दिखाए जा रहे हैं। अब जो है पांचवा अहम मुद्दा है कि कोरोना की पहली लहर आई, दूसरी लहर आई और किस तरह से सरकार के इंतजाम जो है वो बेहद खस्ता थे,
या यूं कहें कि थे ही नहीं तो भी गलत नहीं होगा। अब तीसरी लहर की बात की जा रही है, अब बात की जा रही है डेल्टा वेरिएंट की। तो सरकार की डेल्टा वेरिएंट को लेकर के, तीसरी लहर को लेकर के क्या तैयारी है, इसके ऊपर बात होनी चाहिए। इसके ऊपर कोई ब्लूप्रिंट मीडिया को मांगना चाहिए सरकार से कि आपका क्या ब्लूप्रिंट है अगर तीसरी लहर आती है, इस पर बात होनी चाहिए। लेकिन ये मुद्दा भी अब ढक दिया गया है, अब इस पर भी कोई बात नहीं होगी। बात हो रही है कश्मीर के ऊपर, कश्मीर का ब्लूप्रिंट दिखाया जा रहा है कि देखिए कश्मीर का ब्लूप्रिंट कैसा होगा, कश्मीर ऐसा बनेगा, कश्मीर वैसा बनेगा। दरअसल कश्मीर के बहाने उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, इन तमाम हिंदी भाषी राज्यों को साधने की कोशिश होती है। कश्मीर के बहाने इन सारे लोगों को उलझा करके रख दिया जाता है, इन सब के सामने कश्मीर का एक टॉपिक दे दिया जाता है और कश्मीर के इस टॉपिक के सामने ये सब लोग अपने मुद्दों को भूल जाते हैं। और सरकार के लिए बहुत आसान है, सरकार के लिए इतना आसान है कि सरकार ने एक मीटिंग बुलाई, उस मीटिंग का कोई ठोस अभी तक कोई परिणाम निकलेगा या निकल रहा है इस पर कहीं पर कोई खास बातचीत अभी दिखाई नहीं देती। भले ही कल कश्मीर को लेकर के बात हुई, अच्छी बात है, लेकिन यह भी पूछा जाना चाहिए कि इन्हीं नेताओं को, जिन नेताओं को आपने गुपकार गैंग, गैंग मतलब माफिया गुंडे, वो आपने करार दिया, अब उन्हीं गुंडों के साथ में, उन्हीं माफिया के लोगों के साथ में आपको हंस करके फोटो खिंचाने की जरूरत क्या पड़ गई। और इसकी वजह जो है, इसकी क्रोनोलॉजी शायद यही समझ में आती है कि और कई सारे ऐसे मुद्दे थे जिन पर चर्चा लोग चाहते थे, लेकिन उन पर चर्चा ना हो, एक कश्मीर के ऊपर चर्चा हो, इसीलिए जो है सरकार ने इस मुद्दे को आगे ठेल दिया है। सरकार की कोशिश ये है कि जहां पर कम नुकसान है उसकी तरफ जाइए, जहां पर ज्यादा नुकसान है उसको कवर कर लीजिए। ज्यादा नुकसान पर सरकार बात नहीं करना चाहती है और जहां पर एक टॉपिक जिसमें कम नुकसान है उसको आगे रख दिया जाता है। बहरहाल क्या आपको लग रहा है कि जिस तरह से हमने 5 मुद्दे आपके सामने रखे हैं, राम मंदिर का मुद्दा आपके सामने रखा, वैक्सीन घोटाले का मुद्दा आपके सामने रखा, रोजगार का मुद्दा आपके सामने रखा, आर्थिक पैकेज का मुद्दा आपके सामने रखा और कोरोना की तीसरी लहर का मुद्दा जो है वो हमने आपके सामने रखा, आपको क्या लगता है कि क्या इन 5 मुद्दों पर वाकई सरकार को बात करनी चाहिए, या टीवी में जिस तरह से अब 24 घंटे कश्मीर आलाप जो है, कश्मीर का राग का आलाप किया जा रहा है, क्या वो सही है? आपकी राय क्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे कोई वीडियो हम अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।